Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you translation of present perfect sentences. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा under the title Learn Translation from Zero Part 4 कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में आसानी से चुटकियों में कैसे अनुवाद करेंगे। तो आइए टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टेंस है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में आपका एक्शन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव जारी रहता है। हिंदी सेंटेंसेस के अंत में या है, उसने खाया है, आ है, उसने खत लिखा है, चुका है, वह अपना काम कर चुका है, इस तरह के हिंदी वर्ब एंडिंग्स मिलेंगे। इंग्लिश अनुवाद में आपकी क्रिया सहायक क्रिया हैज हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगा यानी मेन वर्ब 3 होगा। तो आइए इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को पहले देखते हैं। इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में आपको यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन द ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव। हैज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सभी पर्सन के साथ आप हैव का प्रयोग करें। हैज हैव के बाद आपको लाना है पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब नंबर 3 और यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लाएंगे, यदि एडवर्ब है तो उसे अदर वर्ड्स की जगह पर हम प्लेस करेंगे। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है मैंने खा लिया है, खाने का काम हो गया है, प्रभाव जारी है, अब भूख नहीं लगी है। तो आपका सब्जेक्ट है मैंने यानी आई। अनुवाद करें आई के साथ हैव का एग्रीमेंट होगा आई हैव ईटन। उसने दो पत्र लिखे हैं मतलब लिखना पूरा हो चुका है, प्रभाव जारी है, खत सामने है। उसने दो खत लिखे हैं, आपका सब्जेक्ट है उसने यानी ही के साथ एग्रीमेंट सहायक क्रिया हैज का होगा ही हैज रिटन। टू लेटर्स, उसने दो पत्र लिख लिए हैं ही हैज रिटन टू लेटर्स। वह सो चुकी है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, सोने का काम पूरा हो गया है, वह सो चुकी है, सी हैज स्लेप्ट। लड़के आ चुके हैं और उसके बाद सेंटेंस है दूध उबल गया है। इस टेंस में सब्जेक्ट नाउन जनरली डेफिनिट होगा अर्थात उसके पहले द की स्थिति होगी, ऑब्जेक्ट नाउन जनरली इनडेफिनिट होगा अर्थात उसके पहले सिंगुलर काउंटेबल होने पर ए एन, अदरवाइज नो आर्टिकल की स्थिति होगी। सब्जेक्ट नाउन यदि अननोन है, वो पर्सन आपसे परिचित नहीं है, यानी कोई लड़का इस तरह से, कोई दूध इस तरह से आता हो तो फिर वो इंडेफिनिट होगा। और ऑब्जेक्ट नाउन पर यदि स्ट्रेस दिया हो, मैंने खत लिख लिया है, मैंने लड़कों को देख लिया है, तो वैसी स्थिति में वो डेफिनिट होगा अर्थात द की स्थिति होगी। तो आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, लड़के आ चुके हैं यानी ये डेफिनिट है। द बॉयज हैव कम, दूध उबल गया है यानी मैं जानता हूं किस दूध की बात हो रही है, जो मां ने, जो पत्नी ने दूध को उबालने के लिए चढ़ाया उसकी बात हो रही है, हेंस द मिल्क। द मिल्क हैज बॉइल्ड अप। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव सहायक क्रिया के बाद आपको नॉट एडवर्ब का प्रयोग कर देना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मेरा काम नहीं किया है, ट्रांसलेट करेंगे ही हैज नॉट डन माई वर्क। राजू अभी तक नहीं आया है, राजू has not yet come।
आप इस येट को लास्ट में भी रख सकते हैं, राजू हैज नॉट कम येट। इस टेंस से रिलेटेड जो भी एडवर्ब्स हैं आपको की एडवर्ब्स टू टेंसेस वीडियो में मिलेंगे, आप प्रेजेंट परफेक्ट के की एडवर्ब्स टू टेंसेस को वॉच करें और वहां से इस टेंस से रिलेटेड सारे एडवर्ब्स की जानकारी लें। राजू अभी तक नहीं आया है, राजू हैज नॉट येट कम। राधा ने आपको नहीं बुलाया है, राधा हैज नॉट कॉल्ड यू। उसने थोड़ा भी नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन एट ऑल। ही हैज नॉट ईटन एट ऑल, कब ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे, कब नॉट एट ऑल का प्रयोग करेंगे, कब बिफोर का प्रयोग करेंगे, इन सारी बातों की चर्चा मैंने की एडवर्ब्स टू टेंसेस वीडियो क्लासेस में की है। इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वो जस्ट नो क्वेश्चन है तो आप हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थ्री का प्रयोग करें, और यदि वो WH क्वेश्चन है तो हैज है सहायक क्रिया के पहले एक WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड लेकर आए। तो देखिए आपका सेंटेंस है, क्या वह पहले ही चला गया है, हैज ही क्या वह पहले ही चला गया है, हैज ही गॉन बिफोर, आपने उसे क्या पढ़ाया है, WH क्वेश्चन है, आपने उसे क्या पढ़ाया है, व्हाट हैव यू टॉट हिम, आपने उसे क्या पढ़ाया है, व्हाट हैव यू टॉट हिम, क्या लड़के जा चुके हैं, हैव द बॉयज गॉन, क्या लड़के जा चुके हैं, हैव द बॉयज गॉन, आपने उसे कहां देखा है, WH क्वेश्चन, वेयर हैव यू सीन हिम, आपने उसे कहां देखा है, वेयर हैव यू सीन हिम। इस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको हैज है प्लस सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर देना है। जस्ट नो क्वेश्चन हो तो हैज हैव से स्टार्ट करें, और WH क्वेश्चन हो तो हैज हैव के पहले एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर दें। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, क्या वह अभी तक नहीं आई है, क्या वह अभी तक नहीं आई है, हैज सी नॉट कम येट, आप एट का प्रयोग मेन वर्ब कम के पहले भी कर सकते हैं, हैज सी नॉट येट कम, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया है, WH क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया है, व्हाट हैव आई नॉट डन फॉर यू, व्हाट हैव आई नॉट डन फॉर यू, क्या लड़के अभी अभी नहीं गए हैं, क्या लड़के अभी अभी नहीं गए हैं, हैव द बॉयज Not gone just now. Have the boys not gone just now? Just now की जगह आप केवल just का प्रयोग, केवल just का प्रयोग मेन वर्ब थ्री के पहले कर सकते हैं, नहीं आपका सेंटेंस होगा Have the boys not just gone? लास्ट एग्जाम्पल है, राजन ने मुझे कब नहीं देखा है, When has Rajan not seen me? Rajan ne mujhe kab nahi dekha hai? When has Rajan not seen me? Is tarah se friends, chuka hai, chuki hai, ya hai, a hai, present perfect tense ka anuvad aap chutkiyon mein kar sakte hain. Sirf dhyan rakhna hai ki wo kriya samapt ho gayi hai, continuous nahi hai. जैसे राजू सोया है, अर्थात अभी सोया हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। राजू ने खत लिखा है, देखिए काम हो चुका है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। बड़ी सावधानी से आप अनुवाद करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा,
कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।